तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शारिक तनवीर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्स ज्ञान। तो दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूँ टेक्निकल अज़र को। इन्होंने अपने चैनल के स्टार्टिंग में और एंड में और अभी बीच में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना इन्होंने किया था। तो ये अपना कुछ बातें हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते कि इन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम को अपने चैनल पर फेस किया था और कैसे कैसे उससे निकले थे। तो टेक्निकल अज़र जी, मैं अज़र, मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल अज़र फ्रेंड। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर मेरे चैनल को चेकआउट कर लेना। और मैं आज आया हूँ जो कि अनबॉक्स ज्ञान के चैनल पे, तो इन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पाने के लिए, तो इनके लिए बहुत थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। और आप ही लोग की वजह से इनके अच्छे चैनल है और एक अच्छे सब्सक्राइबर, मतलब इनके अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि इनके साथ एक पास एक यहाँ पर कोलैबोरेशन वीडियो बना लूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी पक्का दबा देना। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अज़र जी से, जो कि है YouTube से रिलेटेड, कि इन्होंने अपना चैनल क्या सोचकर स्टार्ट किया और क्या क्या इनके साथ प्रॉब्लम फेस हुआ। तो अज़र जी, आप हम सबको ये बताओ कि आपने एक्चुअली में क्या सोचा था अपने दिमाग में चैनल स्टार्ट करने से पहले, और आफ्टर देन फिर आप क्या क्या आपको मुसीबत और मुश्किल का सामना करना पड़ा अपने 10,000 सब्सक्राइबर के साथ आगे बढ़ने में, और क्या अभी आप अपना चैनल को कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे, और फ्यूचर का आपका क्या प्लान है। तो जी फ्रेंड, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने 1 जनवरी 2018 को मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने इस सोच कर मैंने अपने चैनल को स्टार्ट किया कि क्योंकि मुझे कुछ अपने, मतलब जो मेरे अंदर की बात थी, जो टेक्निकल बातें थे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, तो मैंने सोचा कि एक चैनल बना लूँ और आप लोग से जो मेरे अंदर टेक्निकल बातें, कुछ भी टेक्निक से रिलेटेड जो बातें मैं आपसे शेयर करूँ, इसलिए मैंने एक चैनल खोला। तो मैंने जब चैनल खोला तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो शुरू में डाली, तो वहाँ पर जो कि मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छे वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिले, तो मैंने वीडियो डालते गए। फिर उसके बाद मुझे एक स्ट्राइक भी आ गया, तो मुझे स्ट्राइक आने के बाद मुझे वहाँ पर काफ़ी सारे परेशानी झेलना पड़ा। तो मैंने सोचा कि अब तो मेरा चैनल गया, तो वहाँ पर तो मुझे कंपनी ने स्ट्राइक दे दिया, तो वहाँ पर मुझे 3 महीने स्ट्राइक रहे फ्रेंड। फिर मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया, डालते मुझे फिर एक बंदे ने मुझे फिर एक स्ट्राइक दे दिया, एक चैनल पर मेरा स्ट्राइक था, फिर दोबारा स्ट्राइक आ गया। तब तो सोचा, मैंने हिम्मत ही हार दिया था कि मैं अब चैनल पर काम नहीं करूँगा, क्योंकि दो स्ट्राइक आ गया है, एक स्ट्राइक और आने से चैनल बंद ही हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर रेगुलर काम किया, उस बंदे से मैंने रिक्वेस्ट किया, वहाँ पर स्ट्राइक खड़ा लिया। इसी तरह काम करते करते वहाँ पर मुझे 1 अगस्त को जो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, 15 दिन के लिए मेरा रिव्यू में गया था। तो मैंने सोचा पता नहीं हुआ मेरा चैनल वहाँ पर मोनेटाइज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं कुछ यहाँ पर गलतियाँ कर बैठा हूँ, क्या हुआ। तो फाइनली यूट्यूब वाले ने मुझे मेल किया वहाँ पे 1 अगस्त 2018 को और बोला कि आपका चैनल बिल्कुल अप्रूव कर लिया गया है और आप बिल्कुल यहाँ पे मोनेटाइज हो गए हैं, आप पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं वीडियो पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल पर लगभग यहाँ पे 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मैं आ जाया हूँ अनबॉक्सिंग के पास इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्सक्राइबर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मुझे व्यू नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा इनसे थोड़ा कुछ हेल्प ले लूँ और जो भी है मैं आपसे बात शेयर कर दूँ दोनों के आपस में मिलकर। तो अभी मैं यहाँ पर आगे सोच रहा हूँ कि मुझे आगे चैनल चलाना है कि नहीं चलाना, तो मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे आगे चैनल चलाना है और मैं किस कॉन्फिडेंस के साथ आगे अगर चैनल चलाऊँगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मेरे आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा चैनल अभी कोई हाई फाई मतलब कोई बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन मैं इसी सोच के साथ चैनल चला रहा हूँ कि मैं कुछ मेहनत करता रहूँगा और कुछ ज़रूर ग्रो होंगे, और किसी को लाइफ में हर एक दिन ग्रो होना ही होना है, अगर उसकी सोच एक अच्छी है तो ज़रूर ग्रो होगा, लेकिन सिर्फ सोच ऊँचा रहना चाहिए तो ज़रूर ग्रो होगा। तो इसी सोच पर मैं काम कर रहा हूँ कि शायद एक दिन मुझे ज़रूर वहाँ पर मुझे सिर्फ लंबी मिलेगी और वहाँ पर हम जरूर एक दिन शीर्ष पर जाएंगे। तो इसी सोच में अपने यूट्यूब पर काम करता रहा हूँ और साथ में अपने पढ़ाई भी कर रहा हूँ और साथ में अपने यहाँ पर यूट्यूब चैनल को साथ में लेकर चल रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इनके मुंह से सुन ही लिया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम को इनको फेस करना पड़ा। तो यार प्लीज़, आप लोग ये सब गलती ना करना, कोई भी अगर स्ट्राइक आ जाता तो प्लीज़ ये जैसे डटकर अपने चैनल के लिए खड़े थे वैसे आप भी खड़े रहो। मेरे भी चैनल पे स्ट्राइक आया था, बट मेरा यार थोड़ा सा तो मेरे को मैं डीमोटिवेट हो गया था, बट इन्होंने अपना चैनल को आगे बढ़ाया, और आप भी ऐसे ही अपने चैनल के ऊपर डटे रहो, तभी जाकर आप भी आगे चल के अपने चैनल के ऊपर फ्यूचर देखोगे और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनोगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको टेक्निकल अज़र के चैनल पे जाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, प्लीज़ आप इनके चैनल को जाकर चेक कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा क्वालिटी वीडियोस रखते हैं और बहुत अच्छा इनका कंटेंट होता है, तो प्लीज़ आप एक बार जाकर इनके चैनल को देख लेना। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और मौज उड़ाओ।